फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं मानसी मेंदोला उत्तराखंड देवभूमि से आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए अपनी दादी के साथ। तो मेरी दादी कीर्तन मंडली में, तो सबके सब कीर्तन मंडली के सारे आंटी लोग हैं, दादी लोग हैं, सबके सब उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो आप लोगों ने मेरे कुछ टाइम पहले, एक दो महीने पहले कुछ ब्लॉग देखे होंगे कि रामलीला हुई थी लेडीज़ की, तो वही थे सबके सब। आज उन्हीं के साथ जा रही हूँ, उनसे भी मिलाऊंगी मैं आप लोगों को। तो मैं एक मंदिर में जा रही हूँ, मंदिर का नाम है भैरव मंदिर। तो मैं भैरव मंदिर जा रही हूँ, तो ये जाफरा में पड़ता है, कोटद्वार में एक जगह है। तो अभी मेरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं पता कि किस रास्ते में है, क्योंकि मैं खुद पहली बार जा रही हूँ। तो मैं किसी से पूछूंगी, पंडित जी से या दादी लोगों के साथ जिनके साथ में जा रही हूँ, तो मैं आपको पूरा डिटेल बता दूंगी और सब बता दूंगी कितना साल पुराना ये मंदिर है, क्या है क्या नहीं, सब पूछ के। क्योंकि देखो, मैं पहली बार जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को गलत तो बताऊंगी नहीं रास्ता कि कहाँ पर है। पूरा जब डिटेल मेरे को पता चलेगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, दादी भी पूरी रेडी हो चुकी है, दादी नीचे मेरा वेट कर रही है और हमारा हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट। एक दिन हम लोग नहीं भूलेंगे। हर हर महादेव, शिवलि बाबा की जय। तो चलते हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह के 10 बजे से। तो आज वहाँ कीर्तन भी है, दादी लोग कीर्तन भी करेंगे, तो मैं आपको कीर्तन भी दिखाऊंगी। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे और साथ में भैरव मंदिर में कीर्तन भी। तो चलते हैं फटाफट, तो देखते हैं वहाँ हम लोग कितनी लेट तक रुकेंगे, वो सब आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और मैंने पहन रखा है कुर्ती और प्लाजो और एक साइड बैग वेयर करा है मोबाइल के लिए। मेरी दादी, तो ये दादी का पूरा लुक है और जो सब दादी लोग हैं उनका, दादी ड्रेस क्या है, रेड तो रेड और ऑरेंज कलर का बोल रखा था कि ये थीम है कपड़ों का मंदिर जाने का, तो मैं सबसे अलग मैं ही पहन रखा है ब्लू। तो दादी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, या दादी भी यूँ कर रही है। तो आप लोग कमेंट करना मेरी दादी कैसी लग रही है। तो अब चलते हैं ना दादी मंदिर, सबके सब वेट कर रहे होंगे। मैं आपको ये चीज़ बताना भूल गई कि हम लोग जा रहे हैं मैक्स से, दादी मैक्स से जा रहे हैं। मैक से जा रहे हैं हम लोग, वैसे तो जो मंदिर है ज़्यादा दूर नहीं, ऑटो से भी जा सकते हैं बुक करके, बट हम लोग ज़्यादा लोग हैं इस वजह से हम लोग मैक्स में जा रहे हैं। कितने लोग हैं, 10 9 10 9 10 लोग कम से कम होंगे, 10 या 15 के बीच लोग होंगे जितने भी होंगे। तो देखते हैं क्या क्या होता है, तो मिलाऊँगी मैं आप लोगों को। दादी को इधर देखो चो यक यक दादी, पता ही नहीं जो ब्लॉग बनाना चाहो। तो चलो चलते हैं मैक्स की सवारी और मंदिर के दर्शन और कीर्तन, ये सब है आज के ब्लॉग में। तो चलते हैं, हम लोग पहुंच गए कोटद्वार के हॉट एंड कोल्ड के सामने। तो हम लोग जा रहे हैं ऑटो से, हम लोगों ने दो ऑटो बुक कर चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन लोग हैं, उनके सब है जाने की तैयारी कर रहे हैं अब हम लोग मंदिर के लिए। और एक ऑटो भर चुका है, दूसरा वहाँ पे भर रहा है। और ये रही दादी, दादी दादी मैं कब जाएंगे मंदिर में, मंदिर में जाएंगे और दो ऑटो जा रहे हैं, हाँ जी, और भोले जी को मनाएंगे आज, हाँ आज भोले जी को मनाएंगे हम। तो चलते हैं अब ऑटो में, एक ऑटो भर चुका है, दूसरा ऑटो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, जाएंगे दूसरे ऑटो में। तो चलते हैं, चलते हैं मंदिर दर्शन करके आएंगे, चलो। तो सब हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर में। तो मैं आपको बताऊंगी कि मंदिर कहाँ पे, जो ये मंदिर है आपको अगर आना हो इस मंदिर में, तो ये मंदिर है शिव जी का और भैरव मंदिर है। और ये मंदिर आप लोगों को पड़ेगा रेड लाइट से, कोटद्वार में एक है रेड लाइट हॉट एंड कोल्ड के सामने। हम लोग ऑटो से आए थे, ऑटो बुक करके, तो ये 10 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे गन्ने की खेती है और यहाँ पर लोगों ने धान भी लगा रखे है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं आपको सावन के महीने में मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और जो सारी की सारी दादी लोग हैं उनसे मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। मेरी दादी की पूरी कीर्तन मंडली है, सबके सब, सब ने रेड पहन रखा है, हर हर महादेव। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर में, तो आप लोग मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे, एक एक करके मिलाती हूँ मैं सबसे। इंट्रोडक्शन, ये सबके सब दादी लोग हैं, तो आप लोग मिल लीजिए, दादी की पूरी टीम है। तो सबने रेड साड़ी पहन रखी, सबका इनका कॉम्बिनेशन था कि रेड ही पहन के आनी है, ब्लू
और मंदिर के साइड एक बार कोई मेरे को बता सकते एकदम अच्छे से, जो वीडियो लोग देख रहे हो समझ जाए कि कहाँ पर पड़ता है, आप बताओ दादी। ये है मर्दोजी सर नाम है मंदिर का। हाँ जी। और ये पड़ता है नजियाबाद और कोटद्वार के बीच में। यहाँ का मूल नाम जो है वो जाफरा जाफरा रोड है। हाँ। और मेन रोड के निकट ही यह मंदिर, ये मंदिर है। हाँ। शिव जी का भोरे। हाँ। और यहाँ सावन के महीने में हर नित दिन मेला लगा रहता है और भंडारा भी है। हाँ। जो भी आते हैं झोली भर के ले जाते हैं। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे हिसाब के सब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अंकल मुझे बता रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये रहा मंदिर और यहीं पर पीछे भंडारा भी हो रहा है, तो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे भंडारा। ये देख चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मंदिर और मंदिर के सामने आप इतने सारे यहाँ पे खेती हो रही है लोगों की धान की, तो यहाँ फोटो शूट हो रहा है। आप लोगों को डीजे की आवाज़ भी आ रही होगी, महादेव के गाने बज रहे हैं। यहाँ पे चप्पल निकालने का है और ये रहा मंदिर। लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में, अंदर से लोटा लेके आ जाओ, अंदर है बहुत सारे लोटा अंदर तो पानी भर लेते हैं। तो मैंने भी अपने के लिए ले चुका है। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं शिव जी के मंदिर में, शिव जी का मंदिर, और चलते हैं। यहाँ पे नंदी जी है सबसे आगे, जहाँ पे कीर्तन आदि का कार्यक्रम चलेगा वो वहाँ पे हम लोग ने कर दिए शिव जी के दर्शन कर दिए, शिवलिंग में पानी भी डाल चुका है और टीका भी लगा चुका है। और ये दोनों के दोनों मेरी दादी है, आप मेरी दादी को जानती, मेरी दूसरी दादी है। दादी को हाय बोल दो, ये हेलो बाय बाय। हमें जाना जो अभी मंदिर भी दिखाएंगे आपको, अभी और मंदिर भी दिखाएंगे, अभी और मंदिर भी है, इसके बाद फिर हम लोग भंडारा खाएंगे। तो यहाँ पे और दिखा दो, यहाँ पे शिव जी की और मूर्ति है वो देखने के लिए चलते हैं। तो चलते शिव जी के मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं, और यहाँ पे है राम जी का मंदिर है ये, तो चलते हैं। और आगे यहाँ पे और मंदिर भी है, तो पहले यहाँ के मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे राम जी के दर्शन कर लीजिए, हनुमान जी भी है वहाँ पे। राम जी का मंदिर, और यहाँ पे देखो हनुमान जी की भी यहाँ पे छोटी सी मूर्ति देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे और मंदिर भी है, मैं आपको और मंदिर के भी दर्शन करवाऊंगी, पहले आप यहाँ पे राम जी के कर लीजिए दर्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने राम जी की दर्शन कर चुके हैं, और यहाँ पे है राम शिव जी जी है, तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे बन रखा है। आप भी आ गए दर्शन करने के लिए, और ये बहुत अच्छा बन रखा है शिव जी जी का, एकदम रियल लग रहा है शिव जी जी, है ना जी। भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा, और हाँ कीर्तन गाएंगे उसके बाद भंडारा करेंगे। हाँ जी, और एकदम रियल लग रहा है भगवान जी का ना, बहुत अच्छा बना रखा है।
कल लगनू मंदिर में दर्शन करी बहुत बढ़िया। हाँ दिखाएंगे भी सबको। देख दिया होगा कि यहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से दर्शन कर दिए और बहुत ही अच्छा बना रखा है जो ये मंदिर है। एकदम देखो एकदम रियल लग रहा है, जैसे कि रियल में शिव जी मेरे सामने खड़े हो रखे होंगे। मैं भगवान जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आ रखी होंगी, तो अब चलते आगे और मंदिर भी, और मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे, फिर हम लोग खाएंगे भंडारा, फिर उसके बाद कीर्तन स्टार्ट होगा। तो पहले एक और मंदिर के यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। आ गए आप दर्शन कर गए? हाँ और भी आगे दर्शन कर रहे मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है और साथ में माता रानी जी का भी है। तो आप माता रानी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरी परछाई भी आ रही है थोड़ी बहुत, ये देखो आप लोग। ये रहा फ्रेंड्स भैरव बाबा का मंदिर। हमने यहाँ पे भगवान जी के दर्शन कर चुके हैं। करण हाँ, ये माता रानी का, हनुमान जी का, तो भैरव मंदिर भी, आपने भैरव मंदिर के दर्शन करे? वहाँ पे साइड में छोटे से यहाँ पे मूर्ति रख रखी है और यहाँ पे था शिव जी जो बन रखे थे और ये राम जी का था और ये हम लोगों ने शिवलिंग में जो पानी चढ़ाया था और नीचे के रास्ते भंडारा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं भंडारा करने के लिए। पहले यहाँ का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, तो यहाँ का व्यू उस तरीके का है। लोग बैठ चुके हैं भंडारा खाने के लिए। यहाँ मेरे को सारा का सारा मिल चुका है, भंडारा हलवा है और कड़ी चावल है और यहाँ पे बीबी खाने लग गई। अब कन होने चाहिए, बहुत बढ़िया होना, भंडारा तो अच्छा ही होता है, कहीं कभी खाओ। ये सबके सब यहाँ पे खाने लग गए। अब आधे वहाँ पर है दादी लोग, भंडारे के खाने में बहुत स्वाद था। हाँ बहुत मन से बनाते ना भंडारा तब। तो चलो तो फ्रेंड्स अब हम लोग खा लेते हैं भंडारा। लोगों ने इधर की तरफ भंडारा कर चुका है और यहाँ पे अंकल लोग यहाँ पे भंडारा बनाने का है। यहाँ पे ठीक सामने भैया क्या क्या बनता है? मैं आगे जाके दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ क्या कैसे कैसे बन रहा है। ये रहा यहाँ पे सारा सामान और डेली का भंडारा रहता है। अच्छा तो सही है, कौन कौन करवाते हैं भंडारा? सब लोग जिसका मन करे, कोटद्वार से हर जगह से करवाते होंगे ना? हाँ सावन में रोज ही होता है ना, सावन के दिन तो रोज दे। हाँ अच्छी तरह आटा होल रखा है आपने, रोटी की तैयारी पूरी रोटी? हाँ अच्छा रोटी भी बनती है यहाँ पे। चलो धन्यवाद, बाय बाय। सब आप लोग ने देख दिया होगा कि जहाँ पे भंडारा उसी के सामने भंडारा बनता है और बहुत अच्छा है कि सावन के समय हर दिन भंडारा होता है यहाँ पे। और चलते दोबारा से अब आपको दिखाते हैं, कीर्तन की तैयारी होने लग गई है। बोल शंकर भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, नमः। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कीर्तन हो रहा है और मैं यहाँ पे ना पूरी धान की खेती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
फ्रेंड्स आप लोग भी देख रहे हो कि अब कीर्तन ख़त्म हो गया है और आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ओके बाय।